शुक्रवार को पूर्वोत्तर रेलवे बालक इंटर कॉलेज में बच्चों के ज्ञानवर्धन हेतु स्वच्छता और स्वास्थ्य संबंधी सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य बच्चों में स्वास्थ्य संबंधी जानकारी को प्रभावी रूप से उनके जीवन शैली में शामिल करना था। स्वास्थ्य एवं स्वच्छता संबंधित जानकारी के लिए ललित नारायण मिश्र रेलवे चिकित्सालय के मुख्य हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संजय कुमार श्रीवास्तव ने छात्र छात्राओं को प्रोजेक्टर के माध्यम से विस्तृत जानकारी दिया और इस मौके पर मुख्य अतिथि महाप्रबंधक पूर्वोत्तर रेलवे राजीव अग्रवाल, विशिष्ट अतिथि के रूप में पूर्वोत्तर रेलवे के वरिष्ठ उप महाप्रबंधक PN राय, प्रधानाचार्य रेलवे बालक इंटर कॉलेज के रावत सिंह, विद्यालय के शिक्षक एवं शिक्षिकाएं और छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। सेमिनार में स्वास्थ्य संबंधी सुझाव के लिए विद्यालय के छात्र छात्राओं ने अपने अपने विचार रखे। इस संदर्भ में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संजय कुमार श्रीवास्तव ने बताया। आज का विषय है संपूर्ण स्वास्थ्य एवं शारीरिक स्वच्छता। मैं महात्मा गांधी ने कहा था, क्लीनलीनेस इज गॉडलीनेस। शरीर की स्वच्छता ही विविधता है और यही स्वच्छता आपको संपूर्ण एवं समग्र स्वास्थ्य की परिभाषा में बदल देती है। कैसे बदलता है मैं भी आपको सब बताता चलूंगा, लेकिन एक बात आप ध्यान लें, शारीरिक स्वच्छता का शारीरिक स्वास्थ्य से बड़ा गहरा संबंध है, बड़ा गहरा संबंध है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा भी है कि स्वच्छता ही विविधता है और यही शारीरिक स्वच्छता हमें अपने संपूर्ण एवं समग्र स्वास्थ्य को प्राप्त करने की योग्य है। ये आज की हमारी बॉटम लाइन है, इसीलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। जो स्वास्थ्य या आरोग्य की परिभाषा थी वो थी हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मेरली एन एब्सेंस ऑफ डिजीज और इनफर्मिटी। हिंदी में कहें तो चाहे मानसिक और सामाजिक रूप से पूर्णता स्वस्थ होना, समस्या विहीन होना स्वास्थ्य की परिभाषा थी। ये परिभाषा तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 1948 में दी, लेकिन आज से 500 साल पहले हमारे संत तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की कितनी बढ़िया बात कही, दैहिक दैहिक भौतिक पापा राम राज नहीं पापो क्या। स्वास्थ्य का कंसेप्ट उन्होंने वही दे दिया, दैहिक कोई शारीरिक नहीं, दैहिक कोई दैहिक नहीं और भौतिक नहीं, एक पर्यावरण है जितने पाप का गगन सलीला नष्ट कर दिया। इनमें कहीं भी कोई ऐसा गड़बड़ न हो जो आपके स्वास्थ्य को प्रभावित करे, राम राज नहीं पापो क्या। रोगों की अनुपस्थिति मात्र ही स्वास्थ्य का सूचक नहीं है। आप सब अगर कहें मुझे कोई बीमारी नहीं है, मुझे कोई भी कष्ट नहीं है, इसलिए मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूं, ऐसा नहीं है। स्वास्थ्य की परिभाषा में आज बहुत सारे आयाम जुड़ गए हैं जो शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ एड्रेस करना, उनको भी समझना और जानना जरूरी है। वो क्या है? संपूर्ण समग्र स्वास्थ्य के लिए जो आयाम हमको चाहिए उस पर शारीरिक स्वास्थ्य तो है ही, आपका मानसिक स्वास्थ्य, आपका बौद्धिक स्वास्थ्य, आपका आध्यात्मिक स्वास्थ्य, आपका सामाजिक स्वास्थ्य और इन सब के ऊपर प्रभाव डालना हमारे चारों ओर का पर्यावरण या वातावरण है जो आपको स्वस्थ रखने के अंदर एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। रोजगार प्रदूषण की बात सुनते हैं कि आज हमारे नदियों का प्रदूषण हो रहा है, आज हमारे नदियों का प्रदूषण हो रहा है, आज हमारे धरती का प्रदूषण हो रहा है। ये सब चीजें कहीं ना कहीं आपके स्वास्थ्य पर प्रभाव डालती है, इसलिए स्वच्छ पर्यावरण इस पूरे स्वास्थ्य को पाने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में कुछ बातें बता दें। शारीरिक स्वास्थ्य तब है जब आप एक अच्छी गहरी नींद लेकर रखते हैं। क्या मापदंड है नींद के? जब आप सुबह के समय उठें तो सुबह उठ के अगर आप तरोताजा महसूस करते हैं, आपको लगता है कि आप बिल्कुल तरोताजा है और आपको और नींद की जरूरत नहीं है। अक्सर आप पता देखा होगा जब आप सुबह उठते हैं मन करता है पुस्तक हो गया थोड़ी देर, ऐसा होता है ना? जब यह ऐसा होता है तो इसका मतलब आप भरपूर नींद नहीं ले पाए हैं, आपकी नींद कच्ची रही है और आपको गहरी नींद न मिलने से आपका स्वास्थ्य प्रभावित। तो सबसे पहले चीज आप समझ लें, गहरी नींद आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसे आप
भोजन पर अगर आप सुबह उठ के मल त्याग करने जाते हैं और आपका पेट साफ हो जाता है तो ये मान के चलिए आपका शरीर का पाचन तंत्र अच्छे से काम कर रहा है। और कहते हैं कि सारे के सारे लोग पाचन तंत्र की कमी से ही बचते हैं, पेट खराब होता है, गैस की बीमारी और सारी समस्याएं स्वास्थ्य को घर में नहीं प्रभावित करती है। इसलिए जब आप सुबह सोचे उठे और आज अगर मल त्याग करने जाए आपका पेट बिल्कुल साफ हो, हल्का महसूस करें, चेहरा को खुले हो, समझ लीजिए आपका पाचन तंत्र सही है। ठीक है, आपको व्यायाम करना अत्यंत आवश्यक है, चाहे योगाभ्यास कहेंगे चाहे व्यायाम कहेंगे। शरीर स्वच्छ रहेगा तब ताजा रहेगा, तंदुरुस्त रहेगा। और खासकर कुछ जगह जैसे बगल है, दांत है, जो भगवान के दाते हैं उनकी विशेष सफाई करिए और शरीर पूछने के लिए जो भी तौलिया या कपड़ा आप इस्तेमाल करें वो किसी दूसरे के साथ शेयर करें। अपना कपड़ा इस विद्यालय में जो सेमिनार का आयोजन किया गया है इसमें इंटर कॉलेज के छात्र और छात्राओं को स्वास्थ्य और स्वच्छता संबंधी जानकारी दी गई है। स्वास्थ्य के विषय में उनको बताया गया है कि मात्र शारीरिक स्वास्थ्य या रोगों से मुक्ति ही स्वास्थ्य नहीं है, इसके अतिरिक्त मानसिक स्वास्थ्य, बौद्धिक स्वास्थ्य, आध्यात्मिक स्वास्थ्य, सामाजिक स्वास्थ्य और साथ में स्वस्थ पर्यावरण भी आवश्यक है। इसको कैसे उन्हें प्राप्त करना है, इसके क्या उपाय हैं, इसकी उन्हें जानकारी दी गई है। उन्हें योग और ध्यान की विधियों की महत्ता बताई गई है और स्वच्छता के संबंध में उनको अपने शरीर को स्वच्छ रखने के लिए क्या क्या उपाय अपनाने हैं या क्या क्या तरीके हो सकते हैं जिससे उनकी निजी स्वच्छता बनी रहे और वो एक सेहतमंद जिंदगी जी सकें, भविष्य में और वर्तमान में भी उनका जीवन निरोग और कहना चाहिए कि निरोग रहे, निरोगी रहे, इसके हेतु उन्हें जो प्रयास करने हैं उसके बारे में उन्हें जानकारी दी गई है।